हे गाइस, वेलकम बैक टू 06 स्टडी पॉइंट। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हो एसएससी जेई में 150 प्लस मार्क्स। ठीक है, ये करना जरूरी है, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। इस बार की कट ऑफ आपने देख लिया, 150 प्लस गई है, सो ये तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि नेक्स्ट ईयर भी इतनी ही जाएगी। बिकॉज अभी तक का अगर पास्ट आप देखते हो तो कम कभी नहीं गई, हर साल ज्यादा ही जाती है। लास्ट ईयर जो गई थी 135 गई थी, इस बार इन कंपैरिजन वैकेंसी काफी ज्यादा थी, 3 times 4 times 5 times इस बार आपकी वैकेंसीज थी इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, और आपकी कट ऑफ तब भी इतनी ज्यादा गई है। सो आप ये एक्सपेक्ट एसएससी से नहीं कर सकते कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी। सो आपको खुद से प्रिपरेशन करनी होगी ज्यादा के लिए। तो सबसे पहले आपके हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में आपकी तीन चीजें इंक्लूड होती हैं, आपकी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल सब्जेक्ट। रीजनिंग आपकी आती है 50 नंबर की, जनरल अवेयरनेस भी आती है आपकी 50 नंबर की, टेक्निकल भी आती है आपकी 100 नंबर की। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। आपको इन तीनों के लिए मैंने एक वीडियो दिया है नीचे, उन वीडियो को जाके आप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियोस के लिंक हैं, उन सभी वीडियोस को आपको जाके चेकआउट करना है। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि किस वीडियो में क्या क्या है। ठीक है, तो उन वीडियो को उसको आपको जाके चेक करना है, बट पहले वीडियो देख लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस तरीके से आप 150 स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज है आपको नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स आपको कहां से मिलेंगे, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। जो आप अगर कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको जो फॉलो कराए जाते हैं, जो नोट्स आपको कॉपी कराए जाते हैं, वो आपको सिंपली मेड इजी के नोट्स कराए जाते हैं। तो मेड इजी के नोट्स का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपकी पर्टिकुलर ब्रांच का। उनको डाउनलोड बाद में कर लो, आप बात सुन लो मत जाओ अभी। ठीक है, तो नोट्स बनाने हैं। नोट किस तरीके से बनाने हैं, उस वीडियो के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बात करी हुई है कि किस तरीके से आप 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो एसएससी जेई में। ठीक है, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लग रहा है कि बार बार डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एसएससी जेई की इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एसएससी जेई की जो आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो है आपकी सिविल के लिए आरएस खुरमी, इलेक्ट्रिकल के लिए जेबी गुप्ता और मैकेनिकल के लिए आरके जैन और आरएस खुरमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बुक है, वो है आपकी मेडिजी की हैंडबुक, और इसको आपको रट लेना है। रट लो इस बुक को, ठीक है, रट लो। सिंपल, जो भी आपके सिलेबस है, जो भी आपका टॉपिक है, उन सभी टॉपिक्स को आपको इसमें रट लेना है। फिफ्थ चीज जो आती है आपके गाइस, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपको नहीं आता। लास्ट 15 years 20 years जितने पेपर्स आपको मिलते हैं, आपको वो सभी पेपर्स कर लेने हैं एसएससी जेई के। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी इसमें लगाने हैं। और अब बात कर लेते हैं हम गाइस आपके टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की, कि किस तरीके से आपको टाइम देना है अपने स्टडी के लिए। अगर आप 2 महीने तक 8 घंटे 2 months 8 hours स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, तो 100% आप 150 मार्क्स प्लस स्कोर कर पाओगे एसएससी जेई में। अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में हमको इतनी सारी चीजें बता दी हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, डिटेल में बताऊंगा, वेट करो। तो 1 hour आपको एवरीडे रीजनिंग के लिए देना है, 1 hour आपको जनरल अवेयरनेस के लिए देना है, 1 hour आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए देना है, 5 hours आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए देने हैं, 1 hour आपको रीजनिंग के किस तरीके से देना है। रीजनिंग के लिए आपको कुछ फॉलो नहीं करना, सिंपल आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को यूज करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको किस तरीके से यूज करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप 2 पेपर्स सबसिस्ट, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में ही आपको दोनों पेपर्स को डाउनलोड करके, जहां से भी आपको मिलते हैं, मेरे चैनल से भी आपको मिल जाएंगे, तो कोई भी 2 पेपर को डाउनलोड करके उनको सोल्व करो। और आपको जो 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपको टाइम देख के करने हैं, आपको जो टाइम आपको मेजर करना है, वो आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ठीक है, 30 मिनट से ज़्यादा आपको रीजनिंग में नहीं लगने चाहिए जब आप स्टार्ट कर रहे हो। अगर इससे ज़्यादा लगता है तो आपका बैड लक है। 30 मिनट आप टाइम देके करो, 50 क्वेश्चन, 30 मिनट में जितने क्वेश्चन होते हैं उतने ही अटेम्प्ट करो, जो नहीं आते उनको स्किप कर दो, जो आते हैं उनको करो। ठीक है, बस 30 मिनट आपको टाइम देना है, 50 क्वेश्चन के लिए इससे ज़्यादा नहीं देना। और जब आप 2 पेपर कर लोगे तो आप नोटिस करोगे कुछ पर्टिकुलर टाइप के टॉपिक्स हैं, लाइक आपका कैलेंडर हो गया, आपका डाइस हो गया, आपका सीरीज हो गया, आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, आपका वट एवर टाइप ऑफ टॉपिक दैट इज। ठीक है, जो भी टॉपिक है, आपको जो भी टॉपिक नहीं आ रहा उसको आपको एक पेपर पे नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपको रीजनिंग में क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या टॉपिक नहीं आते हैं, क्योंकि एक रीजनिंग जो होती है कॉमन सेंस से भी सॉल्व करी जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आप सभी टॉपिक को पढ़ो। ठीक है, सिंपल कुछ टॉपिक्स जो आपको नहीं आते हैं तो आप उनको पढ़ो। उनको कहां से पढ़ोगे, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। यूट्यूब से कहां से पढ़ सकते हो, आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हो, और कोई भी चैनल फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे चैनल से अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, कभी भी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स पर मत जाना, जो भी आपको पढ़ाए, जो भी आपके रीजनिंग का स्पेशलिस्ट हो वहां से पढ़ना, जो भी आपको पसंद है वहां से। ठीक है, सिंपल एक टॉपिक सर्च करना यूट्यूब पे, जो भी आपको पढ़ना है, लाइक आपको कैलेंडर पढ़ना है तो कैलेंडर सर्च करो, कैलेंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलेंडर टिप्स एंड ट्रिक्स, व्हाटएवर दैट यू वांट टू सर्च।
ठीक है, तो इस तरीके से सर्च करो और उसको पढ़ना। सेकंड आता है आपका 1 आवर। हाँ, तो इस तरीके से आप रीजनिंग कर सकते हो, और ये चीज़ आपको डेली एवरीडे 1 आवर करनी है। 1 आवर लाइक आप एक पेपर सोल्व करो 30 मिनट में, और बाकी 30 मिनट में आप एक टॉपिक को पकड़ लो। 30 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी यूट्यूब वीडियो कितनी मिनट की होगी, 10 मिनट की, उसमें आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करने की टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाएंगी, या फिर ज़्यादा ज़्यादा 30 मिनट की होगी, तो आपको एटलीस्ट एक टॉपिक जो कि आपको नहीं आता है, 2 महीने में 60 दिन होते हैं, तो 60 दिन में आप 60 टॉपिक तो है नहीं रीजनिंग में, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा आप एवरीडे दे सकते हो। सेकंड आता है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में मैंने आपको 1 घंटा बोला, आप बोलोगे मैं सिर्फ डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस कर लेता हूँ, दैट इज इनफ। नहीं, करंट अफेयर्स जो आपके आते हैं वो 10 से 15 नंबर की आती है, इससे ज्यादा नहीं आती। बाकी 10 से 15 नंबर की आपकी जनरल साइंस होती है। जनरल साइंस दैट मीन्स 10th क्लास तक की साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आपके उसमें होते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर, तो आपको उस पर भी फोकस करना है। आपको आधे में से 1 घंटा आप जनरल सॉरी 1 घंटे में से आधा घंटा, दैट मीन्स 30 मिनट आप किसके लिए दे सकते हो, जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस के लिए दे सकते हो, और बाकी 30 मिनट आप कोई भी एक टॉपिक लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनमें से कुछ भी दे सकते हो। आपको नॉन टेक किस तरीके से प्रिपेयर करनी है उसकी, आप जब इस वीडियो को देख लोगे तो डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लेना, और एक एक वीडियो को आपको चेकआउट करना है। इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लो, या फिर जैसा भी आपकी मर्जी है बाद में देख लेना, वाट एवर दैट इज, ठीक है। 1 आवर MCQ प्रैक्टिस। 1 आवर MCQ प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स की। टेक्निकल सब्जेक्ट की किस तरीके से करनी है, आप अगर आप आज से स्टार्ट करते हो, आपको टेक्निकल वो MCQs करने कहाँ से, आपको इन बुक्स से करने हैं, ठीक है। आपकी नोट्स बने या ना बने, आपको आज से अभी से अगर आपके पास इन बुक्स में से कोई भी बुक है तो आपको 100 MCQs एवरीडे करने हैं 1 आवर। 1 आवर में ये नहीं बोल रहा कि आप 1 घंटा एक जगह बैठ के दो, आप इसको लूप मेथड के तरीके से कर सकते हो। लूप मेथड क्या होता है, लूप मेथड में आप रोक रोक के रुक रुक के पढ़ते हो। लाइक आप 25 क्वेश्चन करो, फिर थोड़ी देर बाद 25 कर लेना, फिर 25 कर लेना। लाइक किस तरीके से, आप 25 क्वेश्चन मॉर्निंग में कर सकते हो, 25 क्वेश्चन आप दिन में 10-11 बजे कर सकते हो, फिर 25 क्वेश्चन आप शाम को 4-5 बजे कर सकते हो, और 25 क्वेश्चन आप शाम रात को सोते वक्त भी कर सकते हो। इस तरीके से क्या होगा, आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जो आपको चाहिए होता है वो क्वेश्चंस याद होने चाहिए होते हैं, ठीक है। जरूरत होती है कि आपको क्वेश्चन याद हो, आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको पता हो कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। जितना कम आप टाइम सोल्व करने में लगाओगे एग्जाम में, उतना ही आपका टाइम बचेगा और उतना ही ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट आते हैं गाइस आपका 5 आवर्स। अब जो 3 घंटे तो आपके 8 घंटे में से 3 घंटे चले गए, तो 5 घंटे बचे कि बाकी 5 घंटे में हमको क्या करना है। हमने तो तीनों चीज पढ़ ली, नहीं भाई, आपने तीनों चीज नहीं पढ़ी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। नोट्स कहाँ से बनाने हैं, आपको मेडिजी के नोट्स से बनाने हैं, ठीक है, फॉलो मेडिजी नोट्स। अब मेडिजी के नोट्स कहाँ से मिलेंगे, मेडिजी के नोट्स भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो से मिलेंगे। उनको जाओ, उन वीडियोस को के नीचे जाके अपने नोट्स को डाउनलोड करो, उन डाउनलोड करके अपने खुद के नोट्स बनाओ और उनको फॉलो करो, और एवरीडे उनको रिवाइज करो। आप एक दिन में दो दो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, लाइक 2 घंटे एक पढ़ लो, या 3 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ लो, या फिर 5 घंटे आप कंटिन्यूअस एक सब्जेक्ट पढ़ लो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। आपका सिलेबस अगर आप दिन में 5 घंटे सब्जेक्ट को देते हो, तो आपका 2 महीने के अंदर आपका SSC JEE का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वो भी तब जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, क्योंकि कोचिंग में अगर आप कोचिंग का और इसका मिक्स करोगे तो आपकी भसड़ी मचनी है, खिचड़ी हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो बात को समझो और करो सही से प्रॉपरली। तो आपकी स्ट्रैटेजी थी, वीडियोज मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो फिर से देख लो, और इस वीडियो को देखो, देखा हो या ना देखा हो, बट एटलीस्ट आपने डिस्क्रिप्शन में देखा हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी, और इस वीडियो को भी जरूर देख लेना, ठीक है गाइस। तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।